गाइस कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो माय न्यू ब्लॉग स्टार्ट नाउ। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का मतलब मेरे छोटा सा ब्लॉग पर रहेगा। ये मेरे घर के अंदर मेरे रूम का है। तो मैं इस छोटे से ब्लॉग में आपको आज मैं बताऊंगा स्टड के हेलमेट के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में, जो मतलब एक प्रीमियम क्वालिटी की आती है और मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। तो आइए, इसका पूरा जानकारी आपको इसके वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सो फाइनली गाइज, आपने देख रहा होगा, आपको मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, ये साफ साफ की स्टड कंपनी का हेलमेट है। और ये आपको अभी मैंने रिसेंटली कल परचेज किया है, तो एक दिन बाद वीडियो बन रहा है। तो आइए इसके बारे में आपको बताता हूँ और इसकी MRP बताता हूँ। ये एक प्रीमियम क्वालिटी की हेलमेट है, इसका नाम है क्रोम इकोनॉमी। मैं ये पर्सनल यूज़ के लिए लिया हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत कम करता हूँ। तो एक कम बजट में बढ़िया हेलमेट, स्टर्ट कंपनी की बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। इसकी MRP आपको 1,075 मिल जाएगी। और एक टू व्हीलर की हेलमेट से, और इसकी साइज़ है 580 mm, L साइज इसको बोलते हैं। और ये अभी अगस्त का है, ये आप देख सकते हो। सब्सक्राइब तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। और इस मॉडल का नाम हो गया क्रोम इकोनॉमी ब्लैक, ठीक है। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये स्टड कंपनी हेलमेट, तो बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया। और चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया रहता है। तो सबसे पहले हम इसका सील को खोलेंगे थोड़ा प्यार से, ठीक है। ये ऐसा हो गया, इसको हम लोग मेरे पास ब्लेड नहीं है वरना मैं थोड़ा जल्दी निकाल देता। से कोई बट निकल गया इसका, तो मतलब इसमें और क्या क्या है दिखते हैं। मेरे को तो फिलहाल अभी एक हेलमेट ही दिखा। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को ये। तो इसके डब्बे को मैं अभी कर देता हूँ साइड, क्योंकि तो इसमें और कुछ है नहीं, आप ये खुद से देख लो। ये खाली इसको कर दिया मैंने साइड। और अब हम देखते हैं इसकी हेलमेट की, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये हेलमेट, लाइट वेट एंड इसकी ग्लास भी बहुत बढ़िया है। सब्सक्राइब ऑसम। और ये किस साइड पर ये दो रिबन डाला हुआ रहता है। और बात करते हैं इसकी हम ये कवरिंग की, इसका पैडिंग कैसा है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला है। तो मे भी मेरे ख्याल से कम बजट में सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ये स्टड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली हेलमेट है। और ये अंदर की ये रिमूवल होता है, ये आराम से आप इसको बाहर निकाल के, अभी नहीं 6 महीने 1 ईयर के बाद, या जिसको 3 महीने के बाद भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो, इसलिए इसको वॉश लेबल वगैरह कर सकते हो। वो मेरे को तो बिल्कुल सही लग रहा है। तो मैं इसको एक बार पहन के देखता हूँ, फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसा आएगा इसका व्यू। इसमें आगे कुछ खास दिया हुआ नहीं है, बट आगे फेस को कवरिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मेरे को तो सही लगा है, बाकी आप मेरे को कमेंट में बताना कैसा आपको लगा, और फिर देखते हैं तो ट्राई करके। तो आइए, आपको बाकी सब वीडियो में समझ आ ही गया होगा कि ये कैसा है और क्या कैसे फीचर्स था। तो मेरे को ये चीप एंड बेस्ट में बढ़िया लगा, मैंने ये पर्सनल यूज के लिए लिया, मैंने आपको बताया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ले सकते हो अगर कम बजट में है तो। तो आइए इसको फाइनल हम इसको ट्राई करके दिखाते हैं पुश। तो फाइनली ये हेलमेट मेरे पास आ चुका है, और ये आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। तो मैं आपको इसको ट्राई करके सब्सक्राइब कि कैसा फिट आ रहा है कि नहीं मेरे में। ऐसे मैंने एक बार ट्राई किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ट्राई कैसे। इसको इजीली आपको ऐसे डाल देना है और इसको आगे से कवर कर लेते हैं, और ये इसको पॉज कर देना। और ये नीचे वाला बेल्ट लगाना, इसको खुलना और इसको ऐसे कंपनी के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि इस पर ये जो कवरिंग लगा हुआ है इसको हटा कर यूज़ करें,
और साथ साथ इसमें गिरने पर स्क्रैच वगैरह नहीं आती है, बट अब डेली यूज में थोड़ा थोड़ा आ ही जाता है। और ये बेल्ट है, इसको लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, मैं भी नहीं भूलूंगा।